कोशिश की थी मैंने, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। शायद उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, शायद अब भी गुस्सा है वो मुझसे। अच्छा, तेरे घर वाले कैसे हैं? बताया नहीं तूने कुछ भी। अल्लाह पता है यार। क्या? अरे अरे लापता है यार। अरे बीवी को ढूंढने ही तो यहाँ पे आया था मैं। क्या बात कर रहा है तू, हैं? पुलिस में कंप्लेन दर्ज की तूने? फोटो है कोई तेरे पास? मतलब मैंने कभी देखा नहीं है ना तेरी बीवी को, अगर मैं कहीं पे देख लूं तो बता सकूंगा ना तुझे, सालों से यहाँ पे रहता हूँ मैं। ओए करेगा करेगा, तू ही तो असली मदद करेगा। ओए समय आने दे, बस चल अभी चलता हूँ, बाद में कभी मिलता हूँ। अजीब बात तो ये थी कि अपनी बात खत्म करते ही हिरेन जैसे हवा में गायब हो गया। उस अंधेरी गली से रास्ता पहचानते हुए धीमी रोशनी में भी मोहित साहब रोड पे आके पहुंचे। कुछ दिनों से वो अपने घर के कैलेंडर के सामने फूल रख रहे थे। आज मन हुआ उनका कि क्यों ना कुछ लाल फूल रखे जाए। रास्ते में आते हुए उन्होंने देखा कि एक लड़का सुनसान सड़क पे कुछ लाल फूल लिए बैठा हुआ है। उन्होंने सोचा कि यही मौका है, कुछ फूल अपने घर के लिए भी खरीद लेते हैं। लड़के के पास जाके मोहित साहब ने उनसे पूछा, ओए फूल कितने में बेच रहे हो? 20 रुपए बाबू। 20 रुपए? इतना ज्यादा? कोई कस्टमर भी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अरे साहब, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो। मोहित साहब ने सोचा कि कल सुबह घर से निकल के पास वाले फूल के दुकानदार से फूल खरीद लेंगे, लेकिन लड़के के पास जो फूल थे वो थे बड़े ताज़ा। घर जाके फ्रेश होके मोहित साहब ने सोचा कि चलो अब जाके खाना खा लेते हैं, लेकिन तभी उनके फ़ोन पे एक कॉल आया। हेलो। हेलो बोलते ही दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई वो काफ़ी जानी पहचानी थी उनको। वो आवाज़ वो सालों के बाद सुन रहे थे। कैसे हो? बहुत दिन हो गए, सोचा कॉल कर लूं। एक लंबे अरसे के बाद उनकी बीवी ने गुस्सा थूक के उन्हें कॉल बैक किया था। उस आवाज को सुनते ही उनकी आंखें नम हो आई और उन्होंने जवाब दिया, बस सब ठीक ठाक। तुम वापस कब आओगी? मैं जाऊं तुम्हें वहां से लेने? बस बस बहुत हुआ, रहने दो, बहुत कर लिया तुमने। सुनो अवंतिका, उस दिन मैंने जो भी बोला था सब गुस्से में बोला था। छोड़ो, माँ कैसी है? माँ कुछ खास नहीं, पता है मुझे माँ के साथ कुछ अजीब चीजें हो रही थी जरूर, लेकिन अब सब ठीक है, पहले से बेहतर है। और तुम? कुछ खास नहीं, तुम एक बार मेरे घर आके मुझसे मिलना, बहुत सारी बात करनी है। उस दिन तुमने मुझे गलत जरूर समझा था, मगर मैंने नहीं। और एक बात, उस दिन आते वक्त मैंने तुम्हारे जायदाद के कागज ले लिए थे, लेकिन अब उसे तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगी। अवंतिका की बातें सुनके मोहित के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, लेकिन उसके बाद अवंतिका ने जो बोला वो सुनके मोहित की सांस में सांस लौटी। अब उसकी जरूरत नहीं है मुझे, और शायद आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, मायके आने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारी जायदाद चुरा के भागी हो। अरे ये सब क्यों बोल रही हो? मेरी बात खत्म करने दो पहले, कल तुम मुझसे मिलना, शाम को मिलना, कल एक जरूरी काम से हम सब बाहर जा रहे हैं, कल तुम्हारे कागज तुम खुद आके ले लेना।
तुम शाम को आना तैयार होके, मैं तुम्हें अपना एड्रेस मेल करती हूँ। अपनी बात खत्म करके फोन काट दिया था अवंतिका ने। आज मोहित बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। उनके बीबी के एक कॉल से उनके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अगले दिन मोहित साहब चौक होटल के पास वाली गली से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि आज भी वही लड़का वहां पे लाल फूल लिए बैठा था। मोहित साहब उसके पास गए और लड़के ने उनको देख के कहा, बताइए क्या दो आपको? वो थोड़े से लाल फूल। मोहित अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही लड़के ने मोहित के हाथ में फूल का थैला जमा दिया। कितने पैसे हुए? कुछ भी दे दीजिए, जो भी आपके मन में आए, आपके लिए ही तो बैठा हुआ था मैं। जेब से 20 रुपए निकाल के लड़के के हाथ में देके मोहित साहब ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? मोहित के सवाल से लड़का उठ खड़ा हुआ और अपने सामान बांधने लगा। ये देख के मोहित ने पूछा, इतनी जल्दी बंद कर रहे हो? उस लड़के ने मोहित साहब को देख के कहा, आज तो भूत चतुर्दशी है, कैलेंडर के हिसाब से और कुछ ही खन में अमावस की रात शुरू हो जाएगी साहब। अच्छा मैं चलता हूँ, ध्यान से रहना, भगवान आपका भला करे। इतना बोल के वो लड़का वहां से निकल गया और मोहित साहब भी वहां से चल के अपने घर की ओर निकल गए। रास्ते में चलते चलते मोहित साहब के पास एक फोन आया। उन्होंने फोन उठाया। हाँ कब आ रहे हो, कहाँ तक पहुंचे? अरे लेकिन तुमने तो रात को आने के लिए कहा था। हाँ लेकिन काम जल्दी हो गया, तुम अभी आ जाओ, देर मत करना। मोहित साहब तभी निकल पड़े। ट्रेन में चढ़ के उन्होंने एक खिड़की वाली सीट पकड़ ली थी। विंडो सीट पे बैठ के उन्होंने देखा कि बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। ठंडी हवा में उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनको नींद सी आ गई। उन्होंने ट्रेन में ही अपनी आंखें मूंद के एक झपकी ले ली। उनकी नींद टूटी ट्रेन के हॉर्न से। मोहित साहब ने देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पे खड़ा हुआ था। बाहर का अंधेरा देख के मोहित साहब धीरे धीरे बाहर आ गए। ट्रेन आखिर कहाँ पे खड़ी थी ये उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो धीरे धीरे पैरों से ट्रेन से बाहर निकले और उन्होंने देखा कुछ लोग नशे में चूर स्टेशन पे बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे जाके पूछा, भाई साहब बता सकते हैं ये कौन सा स्टेशन है? अजी पता है साहब, ये तो रेलवे स्टेशन है। क्यों आपको नहीं पता क्या? ऐसा जवाब पाके मोहित साहब ने थोड़े गुस्से में कहा, अरे ये तो मैं भी जानता हूं ये रेल स्टेशन है, मुझे बताइए सिर्फ इस जगह का नाम क्या है? बंगा स्टेशन है साहब। चौंक गए मोहित साहब। पता नहीं कितने स्टेशन क्रॉस करके वो इतने पीछे चले आए थे। बिना वक्त जाया किए उन्होंने तय किया कि अब वो यहां से चलने लगेंगे। सड़क बिल्कुल अनजान थी। मोहित साहब को पता नहीं था कि वो किस तरफ और कैसे जा रहे हैं। ऐसे वक्त में मोहित साहब को लगा कि कोई उनके पीछे आ रहा था।
ध्यान देने पे पता चला कि ये तो वही तीन नशेड़ी थे जो स्टेशन पे बैठे हुए थे। उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। ऐसे ही अमावस की रात थी, उन्होंने कुछ बिना सोचे समझे दौड़ लगाई वहां से। वो बस दौड़े जा रहे थे और दौड़ते दौड़ते एक समय पे वो थक गए। वो रुके, आसपास देखने की कोशिश की। तूफान बहुत ही तेज था। मोहित साहब को तो बस अपनी माँ और अपनी बीवी की शक्ल बार बार याद आ रही थी। वो सोच नहीं पा रहे थे कि अब आगे जाके उनका क्या होगा। ही माँ, ठीक तभी उसी कड़कती हुई बिजली ने मोहित साहब ने देखा दूर एक घर था। घर ना बोल के उसे महल बोलना शायद ठीक होगा। मोहित साहब ने उस महल की ओर दौड़ लगाई। मोहित साहब ने देखा कि बंगले का गेट थोड़ा खुला हुआ था। अंदर जाके वो सीधा एक जगह पे बैठ गए और दम लेते लेते उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन उनके गले से बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी। गला उनका बिल्कुल सूख चुका था। बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने पूरा दम लगा के आवाज लगाई, कोई है? दो तीन बार ऐसा बोलने के बाद जब कोई जवाब नहीं था तो मोहित साहब, कोई है घर में, अपने आप ही ऊपर के माले में चलने लगे। ऊपर के माले में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि सामने ही एक दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि एक औरत अंदर है। जल्दी से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से ही पुकार लगाई, कोई है? है कोई घर में? लेकिन कोई जवाब नहीं था और अचानक मोहित को किसी ने अंदर धकेल दिया। सुनिए, मैं खुद से नहीं आया अंदर, किसी ने मुझे बाहर से धकेल दिया अंदर, अब यकीन कीजिए। उसकी बात खत्म करते ही उस औरत ने धीरे धीरे मोहित की तरफ देखा। उस औरत की शक्ल देखते ही मोहित के तो सर पे आसमान टूट पड़ा। उन्होंने बेहद चौंक कर उससे कहा, अवंतिका, तुम? अब वो औरत पूरी तरह से मोहित की ओर घूम चुकी थी। मोहित ने देखा कि हाँ, वो अवंतिका ही है। पास ही में एक लाश पड़ी हुई थी। अवंतिका का मुंह पूरी तरह से खून से सना हुआ था। अवंतिका जोर जोर से हंसने लगी और मोहित साहब डर के मारे दीवार से सटक गए। बहुत देखने का मन था ना, अब देख देख मेरा असली रूप, देख ध्यान से, अच्छे से देख। उस हंसी से पूरा बंगला कांप उठा था। मोहित साहब भी डर के मारे कांप रहे थे। फिर भी उन्होंने सारी ताकत इकट्ठा की और उससे पूछा, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ये सब? पागल हो गई हो क्या? तू क्या सोचता है मुझे, हाँ? जानता क्या है मेरे बारे में? इतना कुछ देखने के बाद मैं
मैं क्या पागल लगती हूँ तुझे? मैं पागल नहीं हूँ, मैं नरभक्षी हूँ, नरभक्षी। देखेगा तू? हाँ देखेगा, देख फिर। फिर अवंतिका ने उस शरीर को उठा के सामने पटका। बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आ रही थी उस शरीर से। मोहित ने ध्यान से देखा, किसी ने उस शरीर को खुरेद खुरेद के खाया है। लेकिन लाश की शक्ल देखते ही मोहित रो पड़ा। हीरे मेरे भाई, क्या हो गया तुझे? लेकिन इन सब बातों से अवंतिका को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फिर से हंस पड़ी। मोहित को बहुत ही गुस्सा आया और वो दौड़ के अवंतिका के पास भी गया। लेकिन अवंतिका की शक्ति के सामने मोहित कुछ भी नहीं था। तेरे दोस्त ने भी मुझे मारने की कोशिश की थी, देख देख उसके साथ क्या किया मैंने। उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों मारा तुमने उसे? जरूर बताऊंगी, मारने से पहले तुम सब जान के मरोगे। तुम्हारे पहले जिसको भी मैंने मारा था उसे सब बताया था मैंने, सब कुछ। और फिर मारा था, आज तुम्हारी बारी है। क्यों मारा मैंने? हाँ जाना चाहते हो तो फिर पहले वो सुनो। मेरी पहली शादी अविनाश से हुई थी। घर के पास ही एक जगह पे उससे मिली थी मैं। जाहिर सी बात है वो मेरे जाल पे फंस चुका था। और ऐसे ही हिरन से एक पार्टी पे मिली मैं और पता चला वो बाहर में काम करता है। सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ आया है। पहले दिन ही मैंने हिरन को फंस में कर लिया था। फिर हिरन को भी खा गई मैं। उसी के पास से तुम्हारी फोटो भी मिली थी। फिर तुम्हें भी ढूंढ के निकाल लिया मैंने। और इसके आगे की घटना तो। लेकिन क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा? अतुल से शादी तय हुई थी मेरी, लेकिन शादी वाले दिन वो नहीं आया। उसने बोला था कि मेरे बाबा काला जादू करता है, वो शादी नहीं करेगा। अच्छा मोहित तुम बताओ, अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो इतना नाटक क्यों किया? बोलो बताओगे? हाँ बताओगे तुम? मेरे बाबा ने उसी दिन आत्महत्या कर ली। फिर मैंने तय किया अतुल के सारे दोस्त को एक एक करके मार डालूंगी मैं। पहले ही मेरी नजर पड़ी थी अतुल के दोस्त अविनाश पर।
रोते हुए जमीन पे बैठ गए। पूरा घर किसी रोशनी से भरा हुआ था। मोहित साहब ने देखा कि वो कैलेंडर, अब वो तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी, माता की तस्वीर। और मोहित साहब ने देखा कि वो तस्वीर चमक रही थी। मोहित साहब ने रोते हुए अपने दोनों हाथ सामने ला लिए और रोते हुए ही उन्होंने तस्वीर की ओर देख के कहा, हे माँ, हे माँ, मुक्ति दे माँ, मुक्ति दे माँ, मुक्ति दे।